प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के जश्न पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता मान रहे हैं कि दो साल के कार्यकाल बेहतरीन रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता इसे बेकार बताने के साथ जुवानी जंग तेज हो गई है। एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने दो सालों में विकास के नए आयाम स्थापित होने की बात कही है, तो कांग्रेस के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सरकारी खजाने को लूटने का आरोप लगाया है और कहा कि कौन सा कारगिल जैसा युद्ध जीत लिया हो तब जश्न मनाने जा रहे हो। एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि दो साल के जश्न पर कांग्रेस फिजूल में बयानबाजी करने में लगी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने तक में विफल रही है। दो सालों में विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है और अपने ही नेताओं में उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दो सालों में कांग्रेस का कुनबा बिखर कर रह गया है, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी तक नहीं बन पाई है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार में अक्सर शाही हावी है और दो सालों में हवा में ही काम हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खुद बीजेपी सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने में लगी हुई है और कौन सा कारगिल जैसा युद्ध बीजेपी सरकार ने जीत लिया है जिस पर अब जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। राणा ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए प्रदेश पर कर्जा हो गया है, लेकिन 229 फॉर्चून गाड़ियां खरीदी गई हैं जिससे सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बजट की घोषणाएं और दृष्टि पत्र भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। जीएसटी स्लैब को लेकर शहर के दुकानदार गुस्से में हैं। उन्होंने आबकारी विभाग पर आरोप लगाया है कि बेवजह दुकानदारों पर पेनल्टी डाली जा रही है। दुकानदार विभाग के इस रवैये को सही नहीं मानते हैं। उन्होंने मांग की कि विभाग इस मामले को स्टेट जीएसटी काउंसिलिंग के पास ही रखे ताकि दुकानदारों को राहत मिल सके। हमीरपुर में व्यापार मंडल के सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष अनिल सोनी की अगुवाई में जीएसटी स्लैब की पेनल्टी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। व्यापार मंडल का कहना है कि अभी जीएसटी स्लैब को लेकर दुकानदार अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं रखते हैं कि वे किस स्लैब के दायरे में आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में आबकारी विभाग के द्वारा गवर्नमेंट और सूज विक्रेताओं को पेनल्टी डाली है जो कि न्याय संगत नहीं है। व्यापार मंडल हमीरपुर के प्रधान अनिल सोनी की अगुवाई में दुकानदार विभाग के आबकारी विभाग के अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि विभाग उनकी समस्या को हल करे और जल्द ही व्यापारियों के साथ एक बैठक भी करके इस सारे मामले का निपटारा करे ताकि उन्हें राहत मिल सके। मुख्यमंत्री जयराम की मौजूदगी में भाजपा के मंत्री मोहिंदर सिंह और सांसद राम स्वरूप शर्मा द्वारा मंडी रैली में की गई बयानबाजी भाजपा की सांप्रदायिक सोच को दर्शाती है। जिस तरीके से हमीरपुर जिला को निशाना बनाया गया, पुजारी और ब्राह्मण समुदाय का मजाक उड़ाया गया, ये भाजपा की नफरत की राजनीति को दर्शाता है जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ये उरादर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। वासुदेव कुटुम्बकम की बात भाजपा करती तो है, लेकिन इसके भावार्थ से बिल्कुल उल्ट आचरण करती है। महात्मा गांधी का नाम तो लेती है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा नेताओं की सोच में ही भेदभाव भरा हुआ है, ये देश समाज के लिए खतरनाक है। प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने पर टिप्पणी करते हुए दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा में जो भी हो रहा है 70 सालों में पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को छोड़कर कोई भी नेता
जश्न में नजर नहीं आ रहा है। भाजपा कार्यकर्ता उदासीन है। आर्थिक मंदी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेरोजगारी 70 वर्षों में चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार हर महीने कर्जे लेकर मौज मस्ती में व्यस्त है। ये सब पहली बार ही देखने को मिल रहा है। डिपो में सस्ते अनाज की व्यवस्था चरमरा चुकी है। शिक्षण संस्थाओं में भ्रष्टाचार, अनैतिक दुर्व्यवहार की घटनाओं से समाज चिंतित है। व्यापारी वर्ग जीएसटी से परेशान है। आम आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार जश्न मनाने में व्यस्त है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता अब भाजपा के झूठ प्रेम को समझ चुकी है। इसके लिए भाजपा के हाथों से 5 राजा निकल चुके हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव हमीरपुर जिला से किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता ही इस भेदभाव से दुखी हैं। विकास के मामले में यूं लगता है कि इस जिला से खुन्नस निकाली जा रही है। हमीरपुर शहर के व्यापारियों, खोखाधारकों, गरीब, रेहड़ी फेड़ी लगाने वालों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है। दीपक शर्मा ने कहा कि इन विकट परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करेगी।